फिल्म के शुरुआत में हमें मेक्सिको के आज़ादी के समय में होने वाले युद्ध का सीन दिखाया जाता है, जहां मेक्सिको के लोग अपने देश को आज़ाद करने के लिए सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। साथ ही मेक्सिको के लीडर ने सोने और कीमती चीजों को पिघलाकर बहुत सारे सिक्के बनाए थे, जिसे आज़ादी के बाद मेक्सिको में चलाने वाला था। लेकिन युद्ध के कारण उसने सारे सिक्के अपने सबसे वफादारी सेनापति जुआन को देकर उसे सुरक्षित जगह रखवा दिया, पर इसकी भनक सिपाहियों को लग गई, इसलिए उन्होंने जुआन को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और उसे खूब मारा ताकि वो उन सिक्कों के बारे में उन्हें बता दे। लेकिन जुआन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, इसलिए सिपाहियों ने उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया। पर मरने से पहले उसने खजाने का एक नक्शा बनाकर उस जेल की एक दीवार के अंदर छिपा दिया, इस उम्मीद में कि ये खजाना एक दिन अच्छाई के काम आएगा। अब अगले सीन में हम प्रेजेंट समय को देखते हैं, जहाँ एक लड़का एरिक अपने दोस्तों के साथ एडियाना नाम की लड़की को देख रहा होता है, जिसे वो पसंद करता है, पर उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। वहीं एडियाना जब अपने छोटे भाई ओमर के साथ घर जा रही होती कि तभी कुछ बदमाश लड़के उमर से उसका मोबाइल छीन लेते, जो देखकर अब एरिक तुरंत उसे बचाने जाता है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते। तब एरिक उनकी बाइक्स को धक्का मारकर एडियन और उमर के साथ वहां से भागने लगता है, जो देखकर वो बदमाश लड़के अपनी बाइक पर सवार होकर उनका पीछा करने लगते। वहीं भागते हुए उमर का मोबाइल एक बंद पड़े घर के अंदर चला जाता है, जो उसे वापिस पाना चाहता था, लेकिन उनके पास अभी इतना समय नहीं था, इसे उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब भागते हुए उमर और बाकी एरिक के घर के पास आ जाते हैं, जहाँ एक वकील एरिक के माता पिता को बता रहा होता है कि बैंक ने तुम्हें 3 दिन का समय दिया है, अगर 3 दिन में तुमने बैंक को पैसे वापस नहीं किए तो बैंक तुम्हारा घर अपने कब्जे में कर लेगा, जो सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं एरिक एडियाना और उमर को रस्सी की मदद से अपने कमरे में भेज देता है, लेकिन जब वो खुद कमरे में जा रहा होता है कि तभी वो बदमाश लड़के उस रस्सी को हिला देते, जिससे बेचारा एरिक नीचे कांच की बोतलों पर गिर जाता है और उसकी गिरने की वजह से कई बोतल्स टूट जाते। अब ये देखकर उसके पिता उसे बहुत चिल्लाते, क्योंकि उन बोतलों का ही उसके पिता बिजनेस करते। दूसरी तरफ हम नेतन नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी साथी के साथ उसी खजाने के नक्शे को ढूंढ रहा होता है, जिसे ढूंढने के लिए वो उसी जेल के पास आता है, जहां जुआन को बंद करके रखा गया था। अब अगले दिन एरिक के पास उमर आकर कहता है कि मेरा मोबाइल कल भागते समय गिर गया था, उसमें मेरी बनाई कई सारी फोटोज और वीडियोज है, जिसे मैं काफी संभाल कर रखता था, इसलिए मैं उसे वापिस लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? जिस बात पर एरिक मान जाता है, इसलिए वो दोनों उस पुराने घर के पास आते हैं, जहाँ एरिक उस घर का ताला तोड़कर उमर के साथ अंदर जाता है। वहीं उमर तुरंत अपना मोबाइल ले लेता है, लेकिन तब एडियाना वहाँ आ जाती है, जो उमर को ही ढूंढ रही थी। अब जैसे ही वो तीनों वहाँ से निकलने वाले होते कि तभी उन्हें वही बदमाश लड़के दिखाई देते, जो फिर से उनके पीछे पड़ जाते, इसलिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब आगे भागते हुए एरिक और बाकी टनल के रास्ते उसी जेल के पास आ जाते, जहाँ नेतन नक्शा ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो सभी छुपकर उसे देखने लगते। वहीं नेतन को एक जगह दीवार में दबा हुआ नक्शा मिल जाता है, जिसे देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन नक्शा मिलते ही धोखेबाज नेतन अपने साथी के अंदर बिच्छू के जहर वाली अंगूठी घुसा देता है, पर मरने से पहले उसका साथी नक्शे का आधा टुकड़ा लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तब सामने उसे एरिक दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत नक्शे का आधा टुकड़ा उसके जेब में डाल देता है। फिर नेतन वो आकर उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो उसके जेब में नक्शा ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तब वहाँ उसे एरिक दिखाई देता है, जो उसे कहता है कि बताओ नक्शे का आधा टुकड़ा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ जुआन की आत्मा आकर नेतन का ध्यान भटका देती है, इसलिए मौका देख एरिक और बाकी वहाँ से भाग जाते। नेतन भी अब उनके पीछे जाने वाला होता है, पर तब वो बदमाश लड़के उस पर गोलियां चलाते हुए कहते हैं कि हमने अभी सुना कि तुम किसी खजाने के नक्शे के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वो आधा टुकड़ा हमें दे दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर अब गुस्से में नेतन उन पर गोलियां चलाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इधर एरिक और बाकी के आगे बढ़ते हुए उमर एक गाड़ी के अंदर छिप जाता है, और फिर एरिक और एडियाना जैसे ही उसे वहाँ से बाहर निकालने वाले होते कि तभी वह नेतन आने लगता है, इसलिए अब वो दोनों एक जगह छिप जाते हैं। तब नेतन उसी गाड़ी में सवार होकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें उमर छुपा था, जो देखकर अब एरिक और एडियाना की परेशानी एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसने उमर को कहाँ ले गया उन्हें नहीं पता। इधर नेतन अपने गाड़ी में बैठे हुए आधे नक्शे को देख रहा होता है, तब पीछे से उमर उसका वीडियो बना लेता है, जिसके बाद नेतन जहाँ जाने वाला है गाड़ी में वहाँ की लोकेशन सेट कर देता है, जिस लोकेशन के बारे में उमर तुरंत एडियाना को मैसेज करके बता देता है कि वो अभी कहाँ जा रहा है, इसलिए वो दोनों भी उस शहर में जाने वाली गाड़ी जिसमें सामान रखा गया था उसके अंदर चुपके से घुस जाते हैं। अब रात भर सफर करने के बाद वो गाड़ी वाला पेट्रोल पंप पर रुक जाता है, इसलिए एरिक और एडियाना तुरंत गाड़ी से उतर
जाते पर अब उन्हें उमर तक पहुंचने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी वो टैक्सी वाले को उस जगह की लोकेशन बताकर उसमें सवार हो जाते, इसलिए टैक्सी वाला उन्हें वहाँ छोड़ देता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती तो एरिक और एडियाना तुरंत गाड़ी से निकल कर भाग जाते। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें नेतन की गाड़ी दिखाई देती है, साथ ही नेतन भी गाड़ी से दूर खड़ा था, इसलिए मौका देख एडियाना चुपके से गाड़ी के अंदर झांकती है, लेकिन वहाँ उमर नहीं होता। तब पीछे से उमर वहाँ आता है जो पहले ही गाड़ी से निकल चुका था। वो अब उन्हें नेतन के प्लान के बारे में बताता है कि वो मेक्सिको की आजादी के समय छुपाए गए खजाने को ढूंढना चाहता है, लेकिन अगर उससे पहले हमने खजाना ढूंढ लिया तो इतिहास में हमारा नाम दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन एरिस इस काम को करने के लिए साफ मना कर देता है और फिर उसके फोन से अपने अंकल कार्लोस को फोन लगाकर अपनी लोकेशन बता देता है ताकि वो यहाँ आकर उन्हें ले जाए, इसलिए कार्लोस अब वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं उमर एरिक को खजाना ढूंढने के लिए जिद करता है, जिस पर ना चाहते भी अब वो मान जाता है। अब एरिक और बाकी उस खजाने के बारे में और जानकारी निकालने के लिए म्यूजियम जाते हैं और मेक्सिको की आजादी के समय की सारी जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। तब मेरियाना नाम की क्यूरेटर उन्हें मेक्सिको का इतिहास बताती है और उनसे खजाने के बारे में भी शेयर करती है कि ऐसा माना जाता है कि खजाने को ऐसी जगह रखा गया है जहाँ ड्रैगन्स है, जो सुनकर वो दंग रह जाते हैं क्योंकि इस समय भी ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं। लेकिन जब वो दोनों वहाँ से थोड़ी दूर आकर नक्शा देख रहे होते हैं कि तभी मेरियाना की नजर उन पर पड़ जाती है, जो उनके हाथ में नक्शे का टुकड़ा देखकर उसे ऐसा लगता है कि बच्चों ने म्यूजियम से कुछ चुराया है, इसलिए वो गार्ड्स को उनके पीछे लगा देती है, जिस वजह से अब एरिक और बाकी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए सभी एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ WWE खेल का अभ्यास हो रहा था। तब WWE के रेसलर से म्यूजियम के गार्ड्स का झगड़ा हो जाता है, जिस मौके का ही फायदा उठाकर एरिक और बाकी वहाँ से भाग निकलते हैं। पर थोड़ी दूर आने के बाद गार्ड्स फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब एरिक भागते हुए कार्लोस से टकरा जाता है, लेकिन तभी मारेना भी वहाँ जाती है, जो कार्लोस से कहती है कि बच्चों ने म्यूजियम से कुछ चुराया है, इसलिए वो एरिक से उसका नक्शा ले लेती है। लेकिन जब वो उस नक्शे को देखती है तो वो उसके म्यूजियम का नहीं होता, इसलिए उनसे माफी मांग कर उनका नक्शा उन्हें लौटा देती है। आप कार्लोस एरिक को डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने माता पिता की अनुमति के बगैर यहाँ क्यों आए, जिस पर अब वो तुरंत उसके माता पिता को फोन लगा देता है। लेकिन तब एरिक उसे बताता है कि आपका और मेरे पिता का काफी समय पहले झगड़ा हुआ था और अभी वो काफी परेशान भी है, उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने उन्हें आपसे मदद मांगने को कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया ताकि आपसे मिलकर मैं अपने पिता की परेशानी बता सकूं। जो सुनकर कार्लोस उसे कहता है कि कुछ भी हो लेकिन अकेले तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद वो उन्हें खाना खिलाने ले जाते। इधर नेतन आधे नक्शे के अनुसार आगे बढ़ते हुए एक ओपेरा में आ पहुंचता है और वहीं खजाना ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ गार्ड जाकर उसे भगा देते। इधर रेस्टोरेंट में एरिक कार्लोस को खजाने के बारे में बता देता है, लेकिन उसे इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता, वो बस इसे बच्चों का खेल समझ रहा होता है, जिसे वो अनदेखा करके सभी के साथ एक आर्ट गैलरी आता है जहाँ उन्हें मेक्सिको की आजादी के समय वाली एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें मेक्सिको के लीडर और जुआन का भी चित्र बना हुआ होता है। तभी वहाँ नेतन आ जाता है जो एडियाना के ऊपर अपना बिच्छू डालकर एरिक को धमकाते हुए कहता है कि नक्शे का दूसरा हिस्सा मुझे दे दो वरना एडियाना मारी जाएगी, इसलिए मजबूरन एरिक उसे बाकी का नक्शा दे देता है। तभी वहाँ कार्लोस आ जाता है जो तुरंत उस बिच्छू को मार देता है। आप सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते। तब उमर एरिक को बताता है कि मैंने नेतन का एक वीडियो बनाया था जिसमें नक्शे का दूसरा हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, इसलिए एरिक तुरंत उस वीडियो को देखता है और अब उन दोनों हिस्सों को देखकर एरिक को समझ आ जाता है कि खजाना ड्रैगन के दिल में है, जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। लेकिन अब भी कार्लोस को ये बातें बेकार लगती है, इसलिए वो सभी को एरिक के माता पिता के पास ले जाने लगता है, इसलिए मजबूरन एरिक गाड़ी से निकलकर भागना शुरू कर देता है। पर अब वो बदमाश लड़के भी उसे देख लेते और अब बाइक से उसका पीछा करने लगते, लेकिन समय रहते कार्लोस वहाँ आकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, पर तब भी वो काफी आगे तक उनका पीछा करते। लेकिन अब पुलिस उन बदमाश लोगों को पकड़ लेती है, जहाँ वो एरिक और बाकियों को भी पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहते, लेकिन उनके पास समय ना होने के कारण वो वहाँ से भाग जाते। अब आगे बढ़ते हुए एरिक और बाकी उसी ओपेरा में आ जाते जिसमें नेतन आया था, पर ये ओपेरा 1903 में बना था, इसीलिए ये जगह खजाने वाली नहीं हो सकती थी, जिससे निराश होकर वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते। तब एरिक को एक जगह इलाके का नक्शा मिलता है जिस नक्शे में मोहम्मद खदान के बारे में लिखा हुआ था, जिसे ड्रैगन खदान भी कहा जाता है, जो देखकर वो समझ जाते कि खजाना उस ड्रैगन के दिल यानी कि उस खदान के अंदर मिलेगा। इसलिए सभी तुरंत एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगकर उस खदान के लिए निकल जाते हैं जो मेक्सिको की आजादी के बाद से ही बंद पड़ी है। आप सभी उस खदान तक पहुंच जाते जहां उन्हें जगह जगह दीवारों पर ड्रैगन्स का चित्र बना दिखाई देता।
रहता है और थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें जुआन की आत्मा भी दिखाई देती है जो उन्हें खतरे से सावधान करते हुए खजाने का रास्ता बताती है। इसलिए अब सभी उसी ओर जाने लगते हैं। वहीं नीतन भी उसी खदान में होता है जो खुद भी नक्शा समझकर यहाँ तक पहुँच गया था। इधर एरिक और बाकी आगे बढ़ते हुए एक जगह आ जाते हैं जिस जगह को लकड़ियों से छिपाया गया था। इसलिए एरिक उन लकड़ियों को तोड़कर अंदर आ जाता है जहाँ उन्हें एक संदूक दिखाई देता है और अब उस संदूक को खोलने पर उन्हें कई सारे सोने के सिक्के मिलते हैं जो 1810 के समय के थे। वहीं एक कोने में उन्हें कई सारे सोने के बिस्किट्स भी दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। पर तभी वहाँ नेतन आने लगता है इसलिए अब सभी संदूक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आप कुछ देर बाद नेतन उस संदूक वाली जगह के पास आ जाता है जहाँ उसे बस उमर का मोबाइल मिलता है जिसमें वीडियो चल रही थी कि हमें खजाने वाला संदूक मिल गया जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अब गुस्से में उसकी नजर उसी तरफ पड़ती है जहाँ सोने के बिस्किट रखे हुए थे। वो अब बिना ध्यान दिए एरिक को पकड़ने चला जाता है पर तभी उसे जुआन की आत्मा दिखाई देती है जो डायनामाइट्स लिए हुए थी जो देखकर नेतन उसे शूट कर देता है जिससे डायनामाइट जल जाता है। तब जुआन की आत्मा उस जलते हुए डायनामाइट को एक ऑयल टैंक के पास फेंक देती है जो देखकर नेतन तुरंत वहां से भागने लगता है। इधर एरिक और बाकी रस्सी की मदद से खजाने के बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी नेतन वहां आकर एडियनो को पकड़ लेता है। इसलिए मजबूरन एरिक खजाने वाला संदूक नीचे गिरा देता है जिस वजह से नेतन एडियनो को छोड़कर संदूक पकड़ लेता है और फिर मौका देकर एरिक और बाकी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी खजान में जोरदार धमाका हो जाता है पर सही समय पर सभी खजान के बाहर आने में सफल हो जाते हैं। अब वहाँ एरिक और एडियनो के माता पिता भी आ जाते हैं जो अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। साथ ही पुलिस खजान के अंदर से नीतन को भी बाहर निकालती है लेकिन खजाने का संदूक अंदर ही रह गया था। आप सारे बच्चों को घायल होने की वजह से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ एरिक के पिता और कार्लस साथ में बैठे होते। तब दोनों के आपस में बात करने की वजह से उनका झगड़ा भी खत्म हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पुलिस वाले आते जो एरिक और बाकी उसे कहते हैं कि तुम्हारी मदद से बदमाश लड़के पकड़े गए जो ड्रग डीलर भी थे इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा लेकिन हमें खजाना नहीं मिला क्योंकि पूरी खजान बर्बाद हो चुकी है। तब उमर अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालता है जिसे उसने संदूक से निकाल लिया था जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। साथ ही इस खजाने को ढूंढने की वजह से उन्हें 2 सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाते हैं जिससे अब एरिक के पिता का बैंक से लिया हुआ कर्जा भी माफ कर दिया जाता है जिससे सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग या यू कहे की मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।